हेलो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था मोटर व्हीकल एक्ट की इंट्रोडक्शन, मोटर व्हीकल एक्ट की फीचर्स, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लेम्स ट्रिब्यूनल। क्लेम्स ट्रिब्यूनल क्या है? तो अगर मैं क्लेम्स ट्रिब्यूनल के बारे में थोड़ा सा बताऊं, तो आपको बताना चाहूँगा कि जो चैप्टर 12 है, चैप्टर 12 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988, वो क्लेम्स ट्रिब्यूनल से डील करता है। चैप्टर 12 मोटर व्हीकल एक्ट का जो है वो क्लेम्स ट्रिब्यूनल से डील करता है, और सेक्शन 165-176 इसमें आते हैं, ये क्लेम्स ट्रिब्यूनल से डील करता है। और आज मैं आपको क्लेम्स ट्रिब्यूनल के बारे में पूरा बताऊंगा। क्लेम्स ट्रिब्यूनल क्या है, कौन इस्टैब्लिश करता है, किसे पावर है, क्यों इस्टैब्लिश किए गए, सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। तो एक एग्जांपल से शुरू करूंगा और आप ध्यान से सुनिए। हुआ क्या, एग्जांपल क्या है कि एक गाड़ी है, एक कार है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है पर एक कार है, आप समझ लो, ये रास्ते से जा रही है, और इसने क्या किया, इस कार ने क्या किया, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट कर दिया। ये व्यक्ति है, इसका एक्सीडेंट कर दिया। अब जब कार का इस व्यक्ति के साथ एक्सीडेंट होगा तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? जाहिर सी बात है कि इस व्यक्ति को इंजरी हो सकती है, इस व्यक्ति को इंजरी हो सकती है। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को कोई इंजरी ना हो, कुछ ना हो, ये गाड़ी के बीच बैठा हुआ है, इसे कुछ नहीं हुआ, पर दूसरी गाड़ी ने जब गाड़ी को ठोका तो इसकी गाड़ी का बम्पर टूट गया, हेडलाइट टूट गई, लाइट टूट गई, स्कूटी टूट गई, कुछ भी, तो इसकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टी भी डैमेज हो सकती है। मतलब इस व्यक्ति को तो कुछ नहीं हुआ, या तो इस व्यक्ति को इंजरी हो सकती है, या प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, या फिर इस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, बड़ी बात नहीं है। तो अगर एक कार का इस व्यक्ति से एक्सीडेंट हुआ तो इसके तीन कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं, इस व्यक्ति को इंजरी हो सकती है, इस व्यक्ति को की प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, या फिर इस व्यक्ति की डेथ हो सकती है, या फिर इस व्यक्ति की डेथ हो सकती है। अगर डेथ होगी तो इंजरी का सवाल ही पैदा नहीं होता, डेथ के साथ प्रॉपर्टी भी डैमेज हो सकती है, इसको ये कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि ये व्यक्ति क्या कर सकता है, अगर इसको इंजरी हुई है तब क्या कर सकता है, इसकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है तब क्या कर सकता है, या डेथ हुई है तब ये क्या करेगा, तब मरी गया तो ये तो क्या करेगा, पर इसके बिहाफ पे कोई कुछ कर सकता है तो क्या करेंगे। जाहिर सी बात है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, उसके अंडर कंपनसेशन क्लेम करेंगे। क्या करेंगे, ये जो व्यक्ति हैं जिसको इंजरी हुई है, जिसकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, वो क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा फॉर कंपनसेशन, एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन देगा। जाहिर सी बात है कंपनसेशन लेने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, तो एप्लीकेशन देगा कंपनसेशन लेने के लिए, जाहिर सी बात है, समझ आ रहा है, बिल्कुल देगा। अब साथ ही साथ एप्लीकेशन कौन दे सकता है, ये क्वेश्चन भी हमारे पास आ गया, हु कैन गिव द एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन। तो अगर व्यक्ति की इंजरी हुई है, इस व्यक्ति को इंजरी हुई है, तो ये खुद देगा, इंजर्ड व्यक्ति देगा। इन केस ऑफ इंजरी द पर्सन हु सस्टेन्ड इंजरी, वो दे सकता है, पहला कौन दे सकता है, पर्सन हाँ जी, इन केस ऑफ इंजरी द पर्सन हु सस्टेन्ड इंजरी, इन केस ऑफ डेथ,
सॉरी इन केस ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज, दूसरा प्रॉपर्टी डैमेज हुई हो तो कौन दे सकता है एप्लीकेशन कंपनसेशन लेने के लिए? इन केस ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज द पर्सन हु इज ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो ओनर ऑफ प्रॉपर्टी का वो दे सकता है एप्लीकेशन कंपनसेशन लेने के लिए। इन केस ऑफ डेथ ऑफ पर्सन, अगर ये बंदा मर गया है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ पर्सन तो कौन दे सकता है एप्लीकेशन कंपनसेशन लेने के लिए? इन केस ऑफ डेथ ऑफ पर्सन ही इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वन और मोर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जितने भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एप्लीकेशन दे सकते हैं कंपनसेशन लेने के लिए। इन केस ऑफ डेथ ऑफ पर्सन ही इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वेरी गुड। ये तीन बंदे तो दे ही सकते हैं एप्लीकेशन कंपनसेशन लेने के लिए, इनके अलावा एक और व्यक्ति भी है वो भी एप्लीकेशन दे सकता है कंपनसेशन लेने के लिए, ऑथराइज्ड एजेंट। चौथा पॉइंट है ऑथराइज्ड एजेंट, अगर इस व्यक्ति ने अपना कोई एजेंट नियुक्त कर रखा है, अथॉरिटी दे रखी है कि तू मेरे भी यहाँ पे काम कर सकता है, मेरे लिए कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, मेरे मरने के बाद कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, मेरे भी यहाँ पे काम कर सकता है, तो ऑथराइज्ड एजेंट हैज आल्सो राइट टू गेट द कंपनसेशन बाय गिविंग द एप्लीकेशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो क्या होगा, चौथा ऑथराइज्ड एजेंट भी दे सकता है एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन। तो बात क्या है, बात यह है कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ तो उसको क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, उसकी डेथ होगी, इंजरी होगी, प्रॉपर्टी को इंजरी होगी, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाएगी। फिर क्वेश्चन ये बनता है जब ऐसा कुछ हुआ है, बंदे को नुकसान हुआ, तो वो क्या कर सकता है? जाहिर सी बात है एप्लीकेशन दे सकता है कंपनसेशन लेने के लिए। तो एप्लीकेशन कंपनसेशन के लिए कौन कौन दे सकता है? पर्सन हु सस्टेन इंजरी, अगर इंजरी हुई तो पर्सन जिसको इंजरी हुई वो दे सकता है। अगर उसकी डेथ होगी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव दे सकते हैं तब। अगर उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है तो ओनर जो है प्रॉपर्टी का वो दे सकता है कंपनसेशन लेने के लिए, और एनी ऑथराइज्ड एजेंट भी दे सकता है। पहली बात समझ आ रही होगी, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन की बातें बता रहा हूँ, ये बातें सारी सेक्शन 166 में बोली गई हैं। इसमें और भी बातें बोली गई हैं, बाद में बताऊँगा और क्या बातें बोली गई हैं, पहले इतना समझ गए। अब मैंने आपको बता दिया कि किसी का एक्सीडेंट हुआ तो वो कंपनसेशन लेने के लिए एप्लीकेशन देगा, कहाँ पे देगा? क्वेश्चन ये बनता है, हमें चल गया पता कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ तो वो कंपनसेशन लेने के लिए एप्लीकेशन देगा, वो खुद दे सकता है, उसके भी यहाँ पे ऑथराइज्ड एजेंट दे सकता है। अगर वो मर गया है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव दे सकते हैं, अगर उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है तो वो खुद ओनर दे सकता है। क्वेश्चन ये बनता है कि एप्लीकेशन कहाँ दी जाएगी, क्या हाई कोर्ट में दी जाएगी, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दी जाएगी, क्या सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी, या तहसील के कोर्ट में दी जाएगी, एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन कहाँ दी जाएगी, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, जो एप्लीकेशन है कंपनसेशन लेने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंडर, तो वो दी जाएगी टू द मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल। क्या बोला मैंने? मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल। कहां दी जाएगी? मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल यहां दी जाएगी। अर्थात हमें पता होना चाहिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल क्या है, यहां दी जाएगी। तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल को क्लेम्स ट्रिब्यूनल के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं को ही क्लेम्स ट्रिब्यूनल बोला जाता है, इस एक्ट में इन्हीं को ही क्लेम्स ट्रिब्यूनल बोला गया है। तो हम थोड़ा रफ कर लें एक बार, फिर आगे बताता हूं मैं कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल क्या है। अब हमने क्लेम्स ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ना है पूरा का पूरा, कि क्लेम्स ट्रिब्यूनल क्या है, इनको कौन इस्टैब्लिश करता है, कितने क्लेम्स ट्रिब्यूनल इस्टैब्लिश किए जा सकते हैं, किस किस के पास पावर है, किसके पास नहीं है, सारी बातें हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। आगे देखो, MACT मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल को क्लेम्स ट्रिब्यूनल भी बोला जाता है। तो अगर बात की जाए क्लेम्स ट्रिब्यूनल के इस्टैब्लिशमेंट की,
कौन करता है क्लेम्स ट्रिब्यूनल का एस्टेब्लिशमेंट, अर्थात क्लेम्स ट्रिब्यूनल कौन बनाता है? तो सिंपल सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, जैसे हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है उसकी स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब स्टेट है पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा स्टेट है हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट, बिहार स्टेट है बिहार की स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट है, यहां लिख रहा हूं स्टेट गवर्नमेंट, हम पढ़ रहे हैं कि क्लेम्स ट्रिब्यूनल के बारे में पूरा पूरा, क्लेम्स ट्रिब्यूनल की एस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा पहले, तो क्लेम्स ट्रिब्यूनल की कौन एस्टेब्लिशमेंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कैसे करेगी? स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, ये नोटिफिकेशन निकालेगी इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ स्टेट। आपको पता है स्टेट का ऑफिशियल गैजेट होता है, सेंटर का ऑफिशियल गैजेट होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का ऑफिशियल गैजेट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी एक, और नोटिफिकेशन निकाल कर वो क्लेम्स ट्रिब्यूनल को इस्टैब्लिश करेगी। उस नोटिफिकेशन में स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि कहाँ पे क्लेम्स ट्रिब्यूनल इस्टैब्लिश किए जाएंगे, किस एरिया में किए जाएंगे, एरिया कौन सा होगा, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि एरिया कौन सा है, किस एरिया में क्लेम्स ट्रिब्यूनल इस्टैब्लिश किए जाने हैं। स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि कितने क्लेम्स ट्रिब्यूनल इस्टैब्लिश किए जाएंगे, किसी एरिया में एक करना है, दो करने हैं, तीन करने हैं, ये भी स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, ये भी स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, एरिया भी बताएगी स्टेट गवर्नमेंट, इवन एरिया के साथ साथ नंबर ऑफ क्लेम्स ट्रिब्यूनल, नंबर ऑफ क्लेम्स ट्रिब्यूनल, नंबर्स ऑफ क्लेम्स ट्रिब्यूनल भी बताएगी कि कितने नंबर होने चाहिए क्लेम्स ट्रिब्यूनल के, कितने नंबर में इस्टैब्लिश करना है, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। तो सिंपल सी बात है, क्लेम्स ट्रिब्यूनल इस्टैब्लिश कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट करेगी। उस नोटिफिकेशन में बताएगी, उस नोटिफिकेशन में बताएगी कि एरिया कौन होगा, कहाँ कहाँ किए जाएंगे, उसमें बताएगी कितने किए जाएंगे। वेरी गुड। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ये भी बताएगी, स्टेट गवर्नमेंट जितने क्वेश्चन बनता है ना कि क्लेम्स ट्रिब्यूनल के मेंबर कितने होंगे, क्या क्लेम्स ट्रिब्यूनल में एक मेंबर होगा, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, पांच होंगे या 50 होंगे, क्लेम्स ट्रिब्यूनल के मेंबर कितने होंगे। तो अगर बात की जाए मेंबर्स ऑफ क्लेम्स ट्रिब्यूनल की, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को जो ठीक लगे, स्टेट गवर्नमेंट को जो जो स्टेट गवर्नमेंट ठीक समझे उतने मेंबर क्लेम्स ट्रिब्यूनल में आएंगे। अगर हिमाचल की स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि किसी क्लेम्स ट्रिब्यूनल में 5 मेंबर होने चाहिए या 2 होने चाहिए या 1 होना चाहिए, उतने होंगे। पंजाब की गवर्नमेंट को जो लगता है उतने मेंबर होंगे। पर अगर एक से ज़्यादा मेंबर हैं क्लेम्स ट्रिब्यूनल के, तो अगर एक से ज़्यादा हैं, मान लो 2 हैं या 4 हैं या 5 हैं, जो भी हैं, तो उनमें से एक व्यक्ति चेयरमैन होगा। इन केस मोर देन 1 मेंबर, इन केस 2 और मोर देन 2 मेंबर्स, वन ऑफ देम शैल एक्ट एज ए चेयरमैन ऑफ द स्टेट ऑफ द क्लेम्स ट्रिब्यूनल। लग गया पता? अब क्वेश्चन ये बनता है हमारे पास कि क्लेम्स ट्रिब्यूनल जो है, ये हमें पता चल गया कि क्लेम्स ट्रिब्यूनल क्यों एस्टैब्लिश किए जाएंगे, कंपनसेशन के केसेस को डिसाइड करने के लिए, पहले लग गया पता। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल है उसके मेंबर कौन बनेंगे, हु कैन बिकम द मेंबर ऑफ मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, दैट इज क्लेम्स ट्रिब्यूनल के मेंबर कौन बनेंगे। क्या मैं मेंबर बन सकता हूं, क्या आप मेंबर बन सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है मेंबर बनने के लिए, क्या क्वालिफिकेशन है, आप मेंबर बनना चाहते हो क्लेम्स ट्रिब्यूनल का, क्या क्वालिफिकेशन है, किसे बनाया जाएगा मेंबर्स क्लेम्स ट्रिब्यूनल का। पता चल गया, स्टेट गवर्नमेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश करेगी, उसके मेंबर कितने हो गए स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कहां कहां क्लेम्स ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, एरिया डिसाइड करेगी, क्यों किया जाएगा, कंपनसेशन के केस डिसाइड करने के लिए किया जाएगा। क्वेश्चन ये बनता है कि उसके मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन
जो है अर्थात जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल का मेंबर बन सकता है तो कौन बन सकता है, द पर्सन हु इज और हैज बीन डिस्ट्रिक्ट जज, हु इज और हैज बीन डिस्ट्रिक्ट जज। तो मेंबर कौन बन सकता है, पहला ऐसा व्यक्ति जो कि डिस्ट्रिक्ट का जज था, रिटायर हो गया या अभी भी डिस्ट्रिक्ट का जज है, वो मेंबर बन सकता है क्लेम्स ट्रिब्यूनल का। दूसरा कौन बन सकता है, द पर्सन हु इज और हैज बीन हाई कोर्ट जज, कौन बन सकता है, हाई कोर्ट जज। हु इज और हैज बीन, जो है अभी या था पहले वो। तीसरा, द पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बिकम एज ए डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट जज, ऐसा व्यक्ति जो डिस्ट्रिक्ट जज ना है ना था पर वो क्वालिफिकेशन रखता है डिस्ट्रिक्ट जज बनने की, उसको भी क्लेम्स ट्रिब्यूनल का मेंबर बनाया जा सकता है। जैसे कोई एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो कि क्वालिफिकेशन रखता है डिस्ट्रिक्ट जज बनने की, वो उसका मेंबर बन सकता है। कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि हाई कोर्ट का जज नहीं है, ना ही वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है, ना ही वो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज है, ना ही प्रेजेंट जज है, ना ही प्रेजेंट जज है, पर वो क्वालिफिकेशन रखता है डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट जज बनने की, वो भी बन सकता है। पर्सन हु इज क्वालिफाइड, हु इज क्वालिफाइड टू बिकम एज डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट जज, आप लिख लो। तो ये व्यक्ति जो है वो हाई कोर्ट सॉरी क्लेम्स ट्रिब्यूनल के मेंबर बन सकते हैं। वेरी गुड। अब एक बात मैंने आपको बोली थी कि जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल है उनकी इस्टेब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट क्या है, कई बार किसी एक एरिया में एक से ज़्यादा क्लेम्स ट्रिब्यूनल भी इस्टेब्लिश कर सकती है। मैंने ये बात भी बोली थी, अगर किसी एक एरिया में स्टेट गवर्नमेंट ने एक से ज़्यादा क्लेम्स ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किए हैं तो उस स्टेट में किस क्लेम ट्रिब्यूनल की क्या ज्यूरिसडिक्शन होगी, क्या पावर होगी, ये भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। उनके बीच बिजनेस को डिवाइड कर सकती है। बोलने का मतलब है वेयर टू और मोर देन टू क्लेम्स ट्रिब्यूनल आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एनी एरिया द स्टेट गवर्नमेंट मे बाई जनरल और स्पेशल ऑर्डर रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग देम। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी एरिया में दो या दो से ज़्यादा क्लेम्स ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश कर रखे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट बाई जनरल और स्पेशल ऑर्डर क्या कर सकती है, उनके बीच बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है बिजनेस को। क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल और स्पेशल ऑर्डर, इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश की स्टेट है, हिमाचल प्रदेश की स्टेट ने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के किसी एरिया में मान लो धर्मशाला में दो क्लेम्स ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश कर रखे हैं, तो या तो हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो स्पेशली कांगड़ा के लिए ही रूल बनाएगी और उनके बीच में जो दो क्लेम्स ट्रिब्यूनल के बीच बिजनेस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी कि तू इतना ये काम तू करेगा, ये काम तू करेगा, उनके बीच डिवाइड कर देगी बिजनेस को। ये हो गया स्पेशल ऑर्डर जो कि सिर्फ और सिर्फ कांगड़ा के ऊपर ही अप्लाई होगा, धर्मशाला में ही अप्लाई होगा। जनरल ऑर्डर कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑर्डर निकालेगी जनरली पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में जहाँ जहाँ जिस एरिया में दो या दो से ज़्यादा क्लेम्स ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश कर रखे हैं उनके लिए बता देगी ये बिजनेस रहेगा आपका, गाइडलाइंस बता देगी और वो ऑर्डर पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई हो जाएगा जहाँ भी दो से ज़्यादा होंगे क्लेम्स ट्रिब्यूनल। स्पेशल ऑर्डर जिसके लिए बनाया गया था उसी के ऊपर अप्लाई होगा, जैसे कांगड़ा के लिए बनाया गया था। जो मैंने आपको इतनी बातें बताई क्लेम्स ट्रिब्यूनल की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया, कौन करेगा, कैसे करेगा, कितने होंगे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, क्या एरिया होगा, ये सारी की सारी बातें सेक्शन 165 में बोली गई हैं। तो क्लेम्स ट्रिब्यूनल के बारे में किसमें बोला गया है, सेक्शन 165 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, सेक्शन 165 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट
जो है वो ये सारी बातें बोलता है। हमने सेक्शन 165 पूरा पढ़ लिया, 166 पढ़ा था, मैंने बताया था कुछ चीज़ें बचती हैं। अब क्या चीज़ बचती है वो बताता हूँ क्या बचती है। क्वेश्चन ये आता है, एग्जाम्पल से बताऊँगा और फिर बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं। मान लो कोई व्यक्ति है, मैं डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की ही बात करूँगा, हिमाचल प्रदेश में मान लो कांगड़ा जगह है। इस कांगड़ा जगह में क्या हुआ कि एक व्यक्ति है जिसके घर हैं कहाँ पे, व्यक्ति है उसके घर कहाँ पे हैं, इसके घर है शिमला में। शिमला से एक व्यक्ति है वो कांगड़ा जा रहा था, और कांगड़ा में क्या हुआ इसका शिमला वाले को किसी ने ठोक दिया, शिमला वाले की गाड़ी को किसी ने ठोक दिया, एक्सीडेंट कर दिया कांगड़ा में। क्वेश्चन ये बनता है कि केस फाइल कहाँ होगा, जो एप्लीकेशन दी जाएगी कंपनसेशन लेने के लिए कौन दे सकता है। अब इसका एक्सीडेंट हुआ है ये खुद दे सकता है, अगर ये मर गया इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव दे सकते हैं, अगर इसकी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है ये खुद दे सकता है, या इसके द्वारा ऑथराइज्ड एजेंट दे सकता है। क्वेश्चन ये बनता है कि क्वेश्चन ये बनता है कि एप्लीकेशन कौन से क्लेम्स ट्रिब्यूनल में दी जाएगी, क्या कांगड़ा के क्लेम्स ट्रिब्यूनल में दी जाएगी जिसकी ज्यूरिसडिक्शन थी उस एरिया के अंडर, या फिर क्या शिमला के क्लेम्स ट्रिब्यूनल में दी जाएगी जहां से ये बंदा रहता था शिमला में, या फिर मान लो ये व्यक्ति का बिजनेस कहाँ है, हमीरपुर में ये बिजनेस करता है, शिमला वाला व्यक्ति हमीरपुर में बिजनेस करता है, बिजनेस हमीरपुर में है, घर शिमला में है, एक्सीडेंट कांगड़ा में हुआ, किसने किया मतलब इसका, इसके साथ हुआ एक्सीडेंट, तो ये कहाँ दे सकता है, कांगड़ा में दे सकता है एप्लीकेशन क्लेम्स ट्रिब्यूनल को, या शिमला में दे सकता है, या हमीरपुर जहाँ पे बिजनेस करता है वहाँ दे सकता है, या फिर जिस व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया ना जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन देनी है, अर्थात जो डिफेंडेंट होगा वो कहाँ रहता है, वो बिजनेस कहाँ करता है, उसके घर कहाँ पे है, या फिर उस एरिया की ज्यूरिसडिक्शन में देना पड़ेगा। मान लो एक्सीडेंट किया जो है वो चंबा के बंदे ने किया है, चंबा का व्यक्ति एक्सीडेंट करने वाला था, फिर चंबा का व्यक्ति कहाँ रहता है, कहाँ बिजनेस करता है, यहाँ किया जाएगा। सिंपल सी बात बताऊँ, अगर बात की जाए कि किस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होगी, सिंपल सी बात है, शिमला वाला व्यक्ति चाहे तो कांगड़ा का जो एरिया था जिस क्लेम्स ट्रिब्यूनल की ज्यूरिसडिक्शन थी वहाँ केस कर सकता है, जहां जहां ये क्लेमेंट चाहेगा, शिमला वाला व्यक्ति जो क्लेम कर रहा है अर्थात क्लेमेंट, जहां जहां क्लेमेंट चाहेगा वहां वहां वो एप्लीकेशन दे सकता है कंपनसेशन लेने के लिए। अगर ये चाहेगा कि कांगड़ा में दूं तो कांगड़ा में दे सकता है, ये चाहेगा शिमला में दूं शिमला में कर सकता है, अगर ये चाहेगा कि मेरा जहां बिजनेस है हमीरपुर में वहां दूं तो वहां भी दे सकता है, वहां भी केस चल पड़ेगा। वेयर द क्लेमेंट रिजाइड्स कैरिड और बिजनेस एंड वेयर द एक्सीडेंट टुक प्लेस, सब जगह देखा क्लेमेंट को देखा जाएगा, या फिर क्लेमेंट चाहे तो जहां पे डिफेंडेंट है जिसके डिफेंडेंट के घर हैं वहां दे सकता है, जहां पे डिफेंडेंट के घर हैं वहां दे सकता है, जहां पे एक्सीडेंट हुआ वहां पे दे सकता है, जहां पे एक्सीडेंट हुआ वहां पे दे सकता है, लेकिन जहां पे डिफेंडेंट बिजनेस चलाता है अपना, मानो चंबा वाले व्यक्ति का बिजनेस कहाँ था, इसका बिजनेस बिलासपुर में था, बिलासपुर में दे सकता, जहां डिफेंडेंट रहता है रिजाइड्स करता है जहां पे एक्सीडेंट हुआ था वहां वहां दे सकता है। टोटली मिलाने की सिंपल सी बात है कि जो कांगड़ा वाला जो शिमला का व्यक्ति है उसको देखा जाएगा, जो क्लेमेंट है उसको देखा जाएगा, जो क्लेम करने जा रहा है उसको देखा जाएगा, उसकी सहूलियत को देखा जाएगा, ये चाहे तो कांगड़ा में करे, ये चाहे तो मीरपुर में करे, ये चाहे तो शिमला में करे, ये चाहे तो चंबा में करे, इसकी मर्जी है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, होता उल्टा है, मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा है। ये बात किसमें बोली गई है, सेक्शन 166 जो मैंने कहा था कुछ बचता है वो ये बचता था, 166 में ये बात बोली गई है। आई होप आपको दो सेक्शन समझ आ गए हैं, 165 क्या बोलता है, 166 क्या बोलता है क्लेम्स ट्रिब्यूनल का। अब बात आती है आगे, सेक्शन 167 वो क्या बोलता है, 167 वो क्या बोलता है, तो आप सिंपल सी बात समझ लो, 167
सेवन से पहले हमारी कंट्री में एक एक्ट पास हुआ है जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 का है। इस एक्ट में क्या बोला गया है कि जो वर्कमैन है उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। अगर वर्कमैन के साथ कुछ गलत होता है, इसकी डेथ होती है, इसको इंजरी होती है, डिसेबलमेंट होती है, कब होती है, जब वो काम कर रहा था, कंपनी में था, फैक्ट्री में था, वर्किंग आर में होती है, चाहे कंपनी का काम कर रहा था, तो उसे कंपनसेशन दिया जाएगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो एक ए है, वो किसी कंपनी में मार्केटिंग का काम करता है, मार्केटिंग का, और ये जा रहा है बाइक में कंपनी का काम करने के लिए, इसका एक्सीडेंट हो गया, किसने कर दिया, इसकी डेथ होगी या इंजरी होगी या इसकी प्रॉपर्टी डैमेज होगी, कुछ भी रख लो। अब देखो कि जो ये व्यक्ति है इसको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंडर भी कंपनसेशन मिल सकता है, इस एक्ट के अंदर कंपनसेशन मिलेगा, साथ ही साथ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंडर भी कंपनसेशन मिलने की बात है। आपको पता ही है कि इसको मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंडर भी कंपनसेशन मिल सकता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंडर कंपनसेशन लेगा या फिर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंडर कंपनसेशन लेगा, या फिर दोनों के अंडर ले सकता है कि वो इसके अंडर भी केस फाइल कर दे और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंडर भी केस फाइल कर दे, क्वेश्चन ये बनता है। तो सेक्शन 167 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि अगर ऐसा होता है, एक्सीडेंट किसका हो रहा है, किसी वर्कमैन का, फैक्ट्री में जो काम करता है, कंपनी में काम करता है, तो वो कंपनी का काम कर रहा था, इन कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, तो जाहिर सी बात है वो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर भी क्लेम कर सकता है और वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर भी कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। लेकिन 167 साफ साफ कहता है कि वो दोनों के अंडर कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता, वो या तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर कंपनसेशन क्लेम कर सकता है या फिर वो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंदर कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, पर दोनों के अंडर वो नहीं कर सकता। ही हैज नो राइट टू फाइल द केस अंडर बोथ द एक्ट, ही कैन नॉट क्लेम द कंपनसेशन अंडर बोथ द एक्ट, ही कैन फाइल द सूट आइदर अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आ रहा होगा। और हमने 166, 167, 165 तीन सेक्शन कर लिए। वीडियो लंबी ना हो रही हो, एक मिनट मैं चेक कर लूं। स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अगर क्वेश्चन हो प्लीज़ पूछिए। बाकी के जो सेक्शन है मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। आगे 168 पढ़ेंगे, अवार्ड ऑफ द क्लेम्स ट्रिब्यूनल। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक जरूर करें। थैंक यू।